मैं मनोज भुतड़ा, कमोडिटीज कंट्रोल मुंबई से। आज हम चोपड़ा में आए हैं। आज हम सिद्धिविनायक जिनिंग एंड प्रेसिंग के मालिक श्री अशोक जी अग्रवाल से कुछ जिनिंग के बारे में पूछेंगे और चोपड़ा का भी कुछ जिनिंग का आइडिया लेंगे। तो सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि चोपड़ा में कितना जिनिंग प्रेसिंग होता है हर साल, मतलब लास्ट ईयर कितना हुआ? भाई करीबन चोपड़ा में हर साल 2 लाख बेल्स के लगभग होता है। ओके। हाँ जी। और कितनी जिनिंग है टोटल चोपड़ा में? टोटल 10 जिनिंग है। और अभी सभी रनिंग? अभी उसमें से 2 जिनिंग रुकी हुई है, 8 जिनिंग चल रही है। और इस साल क्या टारगेट लेके कि चोपड़ा में कितना हो सकता है? भाई इस साल करीबन 1.5 लाख का ही होगा, करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख का। ओके। क्या रीजन कम? इसका रीजन है ये जो सितंबर में बारिश हुई उससे कपास की फसल बहुत मार खा गई, पहला बात तो ये हुआ। दूसरा, सेकंड बोंडअरी का अटैक कपास पे आ गया है, तो बोंडअरी से कपास लोग खेतों में से निकाल निकाल के छोड़ रहे, खाली कर रहे, खेत जला रहे उसको। मेन रीजन यही है कि बोंडअरी आने से लोग जो मार्च अप्रैल में कपास खेत में से निकालते थे हर साल, वो इस साल लोग दिसंबर में निकाल ले रहे हैं। जो फर्दर क्वालिटी पे फर्दल इस साल नहीं आएगी। फर्दल तुम्हारा फरवरी के बाद जो कपास आता था उसको फर्दल बोलते थे हम, पर फरवरी तक जो कपास आता था उसको सेकंड पिकिंग बोलते थे हम, पर वो इस साल सेकंड पिकिंग भी नहीं आएगा और फर्दल भी नहीं आएगा। फार्मर उसका लेना नहीं चाहता है, लेना नहीं चाहता, निकाल के दूसरा गेहूं, चना, उसके बाद सोयाबीन, मक्का, ऐसा बोरा लो। बराबर। तो मुझे ये बताइए, आपके भी जिनिंग प्रेसिंग है तो जिनिंग में इस साल क्या दिक्कत आ रही है कि मतलब जो आपको क्वालिटी कपास आ नहीं आ रहा है या आवक कम हो रही है? सबसे बड़ी बात तो ये कपास क्वालिटी कपास नहीं आ रहा है, तो उसका हमको सबसे ज़्यादा प्रोसेस पे बहुत परिणाम हो रहा है। वो हल्का क्वालिटी का कपास आने से 25% प्रोसेस हमारा कम हो रहा है पर डे। उसके बाद दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा, क्वालिटी इनफेयर आ रहा है, सेकंड क्वालिटी आ रहा है, तो उसका जो प्रोडक्ट है हमारा फिनिश गुड है, वो फिनिश गुड बेचने में बहुत दिक्कत जा रही है। उसकी ग्रेड हल्की बन रही है, उसका कॉटन सीड लो बन रहा है, तो इसलिए वो बेचने में दिक्कत जा रही है। उसके बाद हमारा खुद का ऑयल मिल होने से जिनिंग में यूनिट में ऑयल मिल के कारण, ऑयल मिल में वो सीड वापरने में हमको बहुत तकलीफ जा रही है, क्योंकि उसमें वो कीड़ लगने से बोंडाड़ी से कॉटन पे कीड़ लगा और कॉटन का कीड़ कॉटन सीड पे लगा है, सीड में लगने से ऑयल परसेंट बिल्कुल कम हो गया है। और उसके बाद उसकी कपास की खल भी बराबर नहीं बन रही कॉटन सीड की, उसका भी कारण कलर वगैरह नहीं मैच हो रहा है। और तीसरी बात, अभी ये गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है जीएसटी की, उससे बहुत बड़ा नुकसान जिनर्स का हुआ है। उसमें आरसीएम पे सीधा पैसा ले रहे हैं वो, 5% वैट जीएसटी ले रहे हैं, और सामने आपका जो फिनिश गुड निकलता है उस पे लिंड पे हम जीएसटी लगा के सामने बेच रहे हैं, और मगर जो कॉटन सीड जो हम हमारे ऑयल मिल में यूज करते हैं वो ऑयल सीड पे हम ऑयल पे 5% जीएसटी वसूल कर ले रहे हैं, मगर ऑयल केक पे कोई प्रकार का जीएसटी नहीं होने से हमको वो ऑयल केक का जीएसटी का नुकसान 75 रुपये प्रति क्विंटल घर से लग रहा है, 75 रुपये प्रति क्विंटल लग रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान हमारा है। तो सीड ऑयल ऑयल इंडस्ट्री के हिसाब से मतलब सीड में क्या ऑयल परसेंटेज कम हो रहा है, तो कितना लास्ट ईयर कितना था इस बार? अभी हर साल हमारा ऑयल परसेंट 10 से 11 प्रति क्विंटल किलो रहता था, पर अभी इस साल वो 8% आ गया है, मतलब 20% 20% करीबन लगभग लॉस हो गया हमको ऑयल परसेंट का। तो ये ऑयल आपका रिफाइन भी है आपका कि? नहीं रिफाइन नहीं, हम ये इसको रिफाइनरी में यहाँ से भेजते हैं। तो ये आप क्या चाहेंगे, मतलब आरसीएम की वजह से जो दिक्कतें हो रही है, तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहेंगे कि भाई गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि ओनली यू हैव, मुझे बोलने का मतलब ये कि आप गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही करे कि जो फिनिश गुड है उस पर टैक्स हमको भरना पड़े उतना ही करो, जो वसूल करते हैं हम उतना ही भरना चाहिए। आरसीएम कच्चे कपास पे कोई प्रकार का टैक्स जीएसटी मत लगाइए, तो उस पर हमारा सीधा एक तो पैसा भी ब्लॉक हो रहा है और सामने वसूल नहीं हो रहा पूरा पैसा। हाँ, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसका जो रिटर्न दे रहे हो आप वो पास, हाँ, उसका सबसे बड़ा नुकसान ऑयल मिल यूनिट में हो रहा है हमारा, ये बराबर है, ये जीएसटी आरसीएम लगाने से इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारा ऑयल मिल यूनिट पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी चोपड़ा के हिसाब से देखेंगे तो सराउंडिंग में कितना कितने खेड़े जो चोपड़ा से कनेक्ट होते हैं? करीबन चोपड़ा से 110 खेड़े कनेक्टिंग में है, विलेज 110 विलेजेस है। ओके।
ये पिंग वॉर्म का जो आया है कुंडली वाला, इसकी वजह से आज के डेट में आवक कैसी है, मतलब पिछले साल से कम आ रही है या उतना ही है? अभी लगभग लगभग जो काश्तकारों के घर में माल आया हुआ है वो तो टोटल वो बाजार में बेचने ला रहे हैं, इस वजह से आवक दिख रही है थोड़ी, पर आज के 15 दिन के बाद आवक बिल्कुल, आवक का नामो निशान मिट जाएगा, मतलब कम बिल्कुल नहीं हो जाएंगे, मतलब फार्मर्स पूरा माल बेच दे रहे हैं, हाँ स्टॉक नहीं कर रहे, और जितना उनके घर आ गया कपास उतना बाजार में लाके बेच दे रहे जीनिंग वालों को, और बाकी अभी जनवरी में कोई कपास आएगा नहीं हमारे यहाँ, ये बोनरी के कारण मेन बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये बोनरी की वजह से, जैसे आज अभी सीजन से पहले बात हो रही थी कि इंडिया का प्रोडक्शन जो है 4 करोड़ बेल्स होगा, बराबर कोई कोई 4.25 करोड़ बेल्स होगा, बहुत सी बातें हो रही थी, तो आज के डेट ये जो सिनेरियो है बोनरी का, ये पूरे 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 इंडिया में ये प्रॉब्लम है, साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में है, खानदेश में है, मराठवाड़ा में, विदर्भ में है, तो इसके कारण करीबन 30-35% इंडिया का क्रॉप कम हो जाएगा, तो ये 3 करोड़ बेल्स तक आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 3 करोड़ सीधा, बस सीधा 3 करोड़ हो जाएगा। नहीं तो लास्ट ईयर से सोइंग बढ़ा है, तो उससे का सोइंग बढ़ा था पर यील्ड बिल्कुल नहीं आया, पानी समय पे बारिश नहीं होने से यील्ड नहीं आया है, और लास्ट में ज्यादा बारिश होने से कपास का पौधा खराब हो गया है, इसलिए भी यील्ड कम आएगा। यहाँ का जो पहला रीजन तो ये यील्ड कम आने का, बारिश अगस्त सितंबर में ज्यादा बारिश आई उससे कपास का पौधा खराब, उससे यील्ड कम आएगा, और दूसरा मेन रीजन है बोंडरी का, ये दोनों कारण के वजह से कपास कम आएगा। तो आज के दिन में जो आ रहा है तो सुपीरियर क्वालिटी आ रहा है या नहीं? मिक्स माल आ रहा, सब सब मिक्स आ रहा है। हमारे यहाँ टोटल 30 का माल आता है, जनवरी तक 30 का माल आता है, जनवरी के बाद 29 का आता है, और लास्ट में मार्च अप्रैल में 27 या 28 का आता है, पर इस साल अभी से माल 28 का आने लग गया है, मिक्स माल आ रहा है 28 का, मतलब अभी से मार्च अप्रैल में, हाँ वो अभी से होगा, ग्रेड अभी से ही चालू हो गया, लोअर ग्रेड भी लोअर हो गया, शॉर्ट लेंथ हो गया, और माइक वगैरह रुई के जो पैरामीटर चाहिए वो अभी से लो हो गए। तो आप यहाँ से जो बेल्स बेचते हैं तो हाँ। वो काम मतलब एक्सपोर्टर को बेचते हैं, ट्रेडर्स को? नहीं, इस साल एक्सपोर्टर बहुत कम है मार्केट में, इस साल टोटल माल मिल में जा रहा है, टेक्सटाइल मिलों में जा रहा है, वर्धमान यार्न है तुम्हारा, उसके बाद ऐसे कई मिले हैं, मिलों को जा रहा ज्यादा। और ऑयल का जो आप खल बनाते हैं, हाँ, हाँ, वो लोकल कंजम्पशन है मतलब यहां? नहीं, खल जो बनती है हमारे यहाँ वो 80% खल राजस्थान जाती है, यहाँ से राजस्थान, हाँ राजस्थान जाती है, राजस्थान और हरियाणा जाती है, कुछ तुम्हारा नासिक बम्बई डिस्ट्रिक्ट बम्बई बिकती है, बस बाकी तो लोकल में बहुत कम बिकती है। तो अभी जैसे फार्मर्स को जो इशू आ रहा था कि बोंडरी की वजह से वो कम करे, तो अगले साल आपको लगता है कि फार्मर कॉटन से पीछे हट जाएगा, सोइंग उसका कम हो सकता है, या फिर वो दूसरे क्रॉप की तरफ शिफ्ट हो जाए? नहीं जाएगा, कपास कपास के सबसे बड़े बात तो इधर रेट भी कम मिले उनको, हिसाब के हिसाब खर्चे के हिसाब से रेट बहुत कम मिले है, और दूसरा बात है बोंडरी का अटैक आ गया तो किसान को डर रहेगा ये कि भाई आने वाले साल में यदि बोंडरी जल्दी आ गई या इससे ज़्यादा आई तो कपास की फसल नुकसान होगी, तो करीबन सोइंग करीबन 30% तो भी कम हो जाएगा, 30% या इस साल से कम इस साल से कम हो जाएगा 25-30%। टोटल ऑल ओवर ऐसा अगर देखते आज के रेट का कपास का रेट्स और ये, तो फार्मर्स को आज नहीं पर रहा है, नहीं पुर रहा है, अगले साल वो दूसरे क्रॉप की दूसरे क्रॉप पे जाएगा। जैसे पिछले साल कुछ टूर या वो क्रॉप में उनको नहीं मिला था तो वो कॉटन में शिफ्ट हो गए, बराबर वापस वो लोग वापस दूसरी चीजों पे डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू।